गुड मॉर्निंग ऑलर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग આપણે 7 ટુ 8 ડેલી યોગા કરીએ છે અને અઠવાડિયામાં એકવાર આપણે એરોબિક યોગા કરીએ છે અને યોગામાં એરોબિક યોગા ચાલુ કરનાર ઉષાબેન અને કલાબેન છે, આજે બંને જણા હાજર છે। તો આજે આપણે છે એ એરોબિક યોગા જ કરીશું અને એ પણ ફાલ્ગુની પાઠકના શ્રીનાથજી ભગવાનના ભજન ઉપર આપણે કરીશું। તો તૈયાર થઈ જાઓ બંને જણા, અને પ્રીતિબેન, દીનાબેન ને હર્ષાબેન પોસ્ટમાં છે, તો ઓલ આર વેલકમ અને નાવ વી સ્ટાર્ટ ધી એરોબિક યોગા। પહેલા ઉષાબેન તમે લઈ લો સાથે, કલા જો ભજન પરથી હશે તો કલાબેન ને લેવા દો, હું તો કરીશ, રહી સાથે કરીશ। ઓકે, બંને ને સ્પોટલાઇટ માં લઈ લઈએ છે। હા 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 હા, આ વખતે આપણે નવા કન્સેપ્ટથી કરીએ। યસ, નવા કન્સેપ્ટથી કરીને, તો તમારે આઈપેડ થી નથી આવતું। શબેન તમે લો, ફાગુની પાઠક ઉપર બરાબર આવશે, તમારું ફાગુની પાઠક નું છે, આપણે મોકલેલું છે એમાંથી છે, મારા મોકલેલું નથી, ના 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 એ નથી, એમાં કેમ ના આવે, તો તું કરાવ ને, વાંધો નહીં, હું તો કરવાની, નહીં નહીં તું કરાવ, તું કરાવ, હું કરાવ, ચલો તું કરાવ, તું કરાવ, એમાં પ્રીતિ આવી જશે, પછી કે હું કરાવી દઉં છું, ચાલો પ્રીતિબેન ક્યાં ગઈ, બધા સાથે જ કરશું ને, હા હા સાથે સાથે સાથે, તો હું એક મિનિટ એડજસ્ટ કરી લઉં મારું, ને મારે સાંજે છે જ ઓલરેડી, તારો આજે ઉપવાસ છે, ના 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 બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી, મારું મન છે,
प्रभु सु मेरे मिलाई
સસાઈ દે સખી કોને ગલી મે ગયો શામ કોને ગલી મે ગયો શામ બતાઈ દે સખી કોને ગલી મે ગયો શામ કોને ગલી મે ગયો શામ બતાઈ દે સખી કોને ગલી મે ગયો શામ बताई दे सखी कौन गली में गयो शाम कौन गली में गयो शाम बताई दे सखी कौन गली में गयो शाम Thank you.
जुरे कोई शुद्धि दे जुरे मारा
पथारे मारे आंगणी, आज लालन जी पथारे मारे आंगणी।
Thank you.
Narayan, Narayan, Jai Govinda Hari. 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 Narayan, Narayan, Jai Govinda Hari.
Yes. बहुत अच्छा सभी ने बहुत 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 अच्छा किया। निमेश भाई यस बहुत सरस कर रहे हो बताए बहुत सरस कर रहे राइट प्राणायाम के वो करा चाहो छो हाँ प्राणायाम प्राणायाम हाँ प्राणायाम ओके कौन करावे छे हाँ तमे कराओ कलाबेन करावे का प्रीतिबेन करावे जे कलाबेन क्या छे हाँ प्रीतिबेन जो जरा तमे हैंडल कर कलाबेन देखा था ना थी पाचा उषाबेन तमारे के ऊपर से कलाबेन देखा था ना थी अच्छी जगह ढूंढ के चेयर के ऊपर सोफे के ऊपर बेड के ऊपर या तो नीचे कोई भी बिछाना बिछाते हुए ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आराम से बैठ जाइए। आप ऐसे टेकन से भी बैठ सकते हो मगर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं बॉडी में, बिल्कुल रिलैक्स होके ही बैठना है, मन को शांत करते जाना है, बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखना है, गर्दन ढीली, शोल्डर ढीले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। फेस मसल बिल्कुल ढीले होना चाहिए, कोई भी प्रकार का तनाव नहीं, हल्की सी स्माइल दे देना फेस के ऊपर, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं। आज तो भगवान का नाम सुनते सुनते बहुत अच्छा हालड़ा भी आया और बहुत बहुत वो याद करो कि कौन सा गाना था, कितना सुंदर गाना आज बज रहा था भगवान के नाम का। जब यमुना रानी बोलते हैं तभी यमुना जी हमें दिखाई देनी चाहिए, जब नारायण नारायण बोलते हैं तो नारायण दिखाई देना चाहिए, जब हमारे श्रीनाथ जी भगवान ऐसे विहार करते हुए दिखाई देना चाहिए, इतना अच्छा सुंदर दृश्य जो गाने में, सभी गाने में बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य। आंखें बंद कर लीजिए, जब आंखें बंद करते हो तो हमारे मन के विचार सब स्टॉप हो जाते हैं, जब हमारे ध्यान पूरा ध्यान हमारा जब सांसों के ऊपर लेते हो, ब्रीदिंग के ऊपर, तो हमारा जो द्वार है उसको लॉक लग जाता है, जो ब्रेन जो मन का द्वार हमने बंद कर दिया, कोई सोच नहीं आ पाए, उसी के लॉक लग जाता है और हमारे ब्रीद के साथ हम हमारे भीतर चले जाते हैं। अपने भीतर ही भीतर हम रहना है हमें और अपने भीतर देखना है। जितनी भी सांस लेते हो उसे देखिए, जैसे ही ब्रीद बाहर निकालते हो उसे देखिए। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान, बिल्कुल ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान। सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों नासिका से जो ब्रीद जाती है उसी के ऊपर ध्यान। बिल्कुल देख लीजिए, मन शांत शांत होता जाएगा। धीरे धीरे से ब्रीद आउट करिए और एक लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। जो भी एरोबिक्स किया है अब तक, ब्रीदिंग को आने जाने दीजिए, उसी के ऊपर ध्यान रखिए। जो भी एरोबिक्स किया अब तक 45 मिनट तक, उसमें हमारी 800 कैलोरी बर्न होती है। जब पैर पीछे लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हुए हर एक एक्शन करते हैं तो भस्त्रिका हो जाती है। जब भस्त्रिका होती है, इतनी सारी भस्त्रिका होती है, तो पूरे शरीर के जॉइंट्स खुल जाते हैं। जब जॉइंट्स खुल जाते हैं तो अभी उसमें अच्छी सी ऑक्सीजन, अच्छा सा प्राण वायु, अच्छी सी प्राण फोर्स, प्राण ऊर्जा देना है, तो वही हमारे हर एक पार्ट में एनर्जी आ जाएगी। हर एक जॉइंट्स जो खुल गए हैं वो अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जैसे ही हम बचपन में, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल के होते हैं तो कितनी स्फूर्ति रहती है, वही स्फूर्ति हमें हमारी बॉडी में लानी है।
हर एक दिन हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह ही राइट हैंड को उठा लीजिए। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, लेफ्ट बांध, राइट से पूरी तरह से छोड़नी है, फिर से राइट को ही बंद कर लेना है, लेफ्ट से ही सांस लेना है, लेफ्ट बांध, राइट से पूरी तरह से छोड़ना है, फिर से राइट बांध, लेफ्ट से ही सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। सिर्फ एंड सिर्फ लेफ्ट से ब्रीथ लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, लेफ्ट से सांस भरिए, राइट से छोड़ दीजिए, फिर से लेफ्ट से ही सांस भरिए, राइट से छोड़ दीजिए। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है, लेफ्ट से ही सांस भरनी है, राइट से पूरी तरह से छोड़नी है। लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी भरिए, सूर्य नाड़ी से बराबर छोड़ दीजिए। ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ देना, सिर्फ एंड सिर्फ लेफ्ट से ही भरना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से भरते हुए, राइट से छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम राइट से भी भरिए और लेफ्ट से पूरी तरह से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में लगा दीजिए। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। अवेयरनेस के साथ हमारे सांसों के ऊपर ध्यान देना है, आवन जावन को देखना है। चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेने से तुरंत थकान निकल जाएगी, जो गर्मी लगी थी वो भी धीरे धीरे से बॉडी कूल कूल ठंडा होता जाएगा। कई सालों से जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से सॉल्व हो जाएगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम डेली 5 मिनट से 10 मिनट तक घर में कर लीजिए। जो भी मैं आज 3 प्राणायाम बोलूंगी वो डेली कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम के लिए फिर से राइट हैंड को ही उठाना है, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से ब्रीथ लेनी है, लेफ्ट बांध, राइट से छोड़नी है, राइट से सांस भरनी है, राइट बांध, लेफ्ट से पूरी तरह से छोड़नी है, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट बांध, राइट से छोड़िए, राइट से ब्रीथ लीजिए, राइट बांध, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू रखिए 1 मिनट के लिए सिर्फ। समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम प्राणायाम बहुत नहीं ले सकते थे। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से
जोड़ना, अवेयरनेस के साथ अपने ब्रीदिंग के साथ जुड़ जाना बहुत बहुत जरूरी। मैं बार बार ये दोहराती रहूंगी कि ब्रीदिंग के साथ जुड़ जाइए। जैसे ही ब्रीद करते हो उसी को देखिए, जहां पे छोड़ते हो उसी को देखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये मास्टरमाइंड प्राणायाम है। हर एक प्राणायाम में बेस्ट प्राणायाम है। जो भी हमारे ब्रेन में माइंड में क्लॉट है उसे निकाल देते हैं। ब्रेन तक हमारा ऑक्सीजन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जाता है, तो पूरी तरह से हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। शुरू रखिए अनुलोम विलोम। जब ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी निर्णय शक्ति स्ट्रांग होती है। जब निर्णय शक्ति हमारी स्ट्रांग होने लगती है तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं। कोई खाना बनाना है, कोई बिजनेस कार्य करना है, कोई योग करना है, कभी भी आपको आलस नहीं आएगी। जब ही हमारी निर्णय शक्ति पावरफुल होगी तो हम हर एक कार्य आसानी से कर पाएंगे और वही बेनिफिट हमें हमारे शरीर के ऊपर आता है, हमारे फैमिली के ऊपर आता है, वही बेनिफिट हमें पूरे परिवार के ऊपर हम दे सकते हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना सोना, कितना आलस करना, कितना किसी से बात करना, कितनी बुराई करना, कितनी निंदा में ध्यान देना, कितनी ईर्ष्या करना, वो सब हम हमारे निर्णय शक्ति से आराम से चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें हर एक जो बेनिफिट मिलता है प्राणायाम से वो लेना चाहिए। लेफ्ट से छोड़ दीजिए पूरी तरह से और फिर से रिलैक्स होके बैठिए। फेस मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। फेस के ऊपर हल्की से स्माइल, अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए और एक लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। राइट हैंड को उठाते हुए राइट नोस्टिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्टिल से 50 काउंट करते हुए कपाल भाति करेंगे। सिर्फ लेफ्ट नोस्टिल से मैं काउंट करूंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 रिलैक्स कर दीजिए। लंबी गहरी सांस वही नोस्टिल से लीजिए और राइट से पूरी तरह से रिलैक्स बैठ जाइए। फिर से अपने ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। मन को शांत कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए, दोनों हाथों से करेंगे तो एक हाथ तक नहीं जाएगा। लेफ्ट नोस्टिल बंद, राइट से पूरी तरह से छोड़नी है ब्रीथ 50 काउंट करते हुए। शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. फिर से राइट से भरिए और लेफ्ट से पूरी तरह से छोड़ दीजिए. अच्छी तरह से हमारे नोस्ट्रिल क्लीन हो जाते हैं. कोई भी प्रकार का क्लॉट होता है जो नासिका में साइनस होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है. एक सेकंड के लिए जानती हूँ, रिलैक्स हो जाइए. लंबी गहरी सांस भरी, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए. अभी दोनों हाथों को ऐसे रखना है साइड में, आंखें बंद ही रखनी है और भस्त्रिका करेंगे. सांस भरना और छोड़ना 50 ही करना है, ज्यादा नहीं करना है. रिलैक्स कर लीजिए. पूरी तरह से जो ब्रेन में से क्लॉट है वो निकल जाते हैं. माइंड हमारा पूरी तरह से हल्का होने लगता है. पूरी बैड एनर्जी निकल जाती है. राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध पूरी तरह से निकल जाते हैं. चेक करिए आपका माइंड पूरी तरह से लाइट वेट हल्का लगेगा. अब हल्का फील करोगे जैसे ही आप भस्त्रिका कर लेते हो. बाद में शांति से बैठो और चेक करिए. मन को शांत कर लीजिए. लंबी गहरी सांस भरी, धीरे धीरे से छोड़ दीजिए. अभी प्राण साधना करेंगे. लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करते हुए अंगूठे से वही थाइस के ऊपर रखना है. नी के ऊपर रख दीजिए. बॉडी स्ट्रेट ढीला. मैं काउंट करूं तभी भरना है, रोक के रखना है, छोड़ना है और बाहर रोक के रखना है. सांस भरिए. 1, 2, 3, 4, 5 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 sustain. 1, 2, 3, 4, 5 भरिए. 1, 2, 3, 4, 5 रोकिए. 1, 2, 3, 4, 5 छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 भरिए. 1, 2, 3, 4, 5 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सस्टेन. 1, 2, 3, 4, 5 शांत कर लीजिए मन को. सांस भरिए. रोके रखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़िए. बराबर पूरी तरह से पेट को अंदर लेते हुए छोड़ दीजिए. पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए. रोके रखिए. 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जितना ही आप बाह्य कुंभक, जितना अंतर कुंभक कर सकते हो, बहुत बेनिफिट देता है। प्राणायाम सबसे बेस्ट है। एक्सरसाइज तो हम करते हैं बॉडी में जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए, हमारी जो बेंस है, जब मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मगर जब ही हम प्राणायाम करते हैं तो पूरी तरह से हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, तो पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। मन को शांत कर लीजिए, पूरी तरह से शांत 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 एकदम शांत। आंखें बंद ही रखनी है। चेक करिए कितना अच्छा लगता है। दोनों पैरों को देखिए, लाइट वेट, अंगूठे, उंगलियां, टेढ़ी, एंकल, पाप मसल, नी जॉइंट, थाइस, थाइस जॉइंट। दोनों हाथों को देखिए, अंगूठे, उंगलियां, हथेली, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर और शोल्डर जॉइंट। आप पूरी तरह से दोनों हाथ रिलैक्स। अपने नाभि चक्र को देखिए, नाभि के आसपास के 72,000 नाड़ी को देखिए। ब्रीथ जब हम नाभि तक लेके जाते हैं, जब हम महिला के पेट में जब बच्चा होता है तो नाभि से ही वो अपना पोषण होता है। उसका पोषण जब नाभि से हम जुड़े होते हैं अपने बच्चों से, तो नाभि में बहुत अच्छी ताकत है। तो हमें वही देखना है। पूरे यंत्र हमारे बॉडी में 7 ग्लैंड्स आई हुई है, उसी में से स्त्राव होता है। कितनी अच्छी हमारी बॉडी बनाई है, कितने सारे कंप्यूटर हमारे माइंड में फिट किए हुए हैं, जो भी कई सालों पहले देखा हुआ है वो भी हमें याद कर लेते हैं, वो नजर के समक्ष आ जाता है। कितना अच्छा कंप्यूटर हमारे माइंड में, कितना अच्छा शरीर हमें दिया है। हाथ से पकड़ने के लिए 4 उंगली सिर्फ नहीं दी, अंगूठे भी दिए कि हम पकड़ पाए कुछ भी चीज। कितना कितनी सिस्टम हमारे शरीर में अच्छी तरह से बनाई है, वो भीतर जाते हुए देखी। मन को शांत करते हुए देखी, नाभि चक्र से ऊपर अनाहत चक्र को देख लीजिए। हमारे इष्ट देव विराजमान, एक तेजोमय प्रकाश का पुंज हमारे अंदर से अनाहत चक्र से निकलता हुआ, हम पूरी तरह से हर एक अवयव को ठीक करते करते कान को देख लीजिए। छोटा सा कान पर कितनी बड़ी आवाज भी सुन सकते हैं, कितना सुंदर म्यूजिक भी सुन सकता है। छोटा सा मशीन अंदर रखा हुआ है हमारा मोबाइल का, थोड़ी देर के लिए मशीन इधर उधर हो जाता है तो आवाज नहीं आती, मगर कितना अच्छा। 2 कान दिए, क्यों 2 कान दिए? कोई खराब चीज, कोई बुरा सुना है तो वो दूसरे कान से निकाल दीजिए। भगवान ने बहुत 2-2 चीजें दी है, 2 कान, 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल, 2 जड़बे, 2 लंग्स के पार्ट, 2 हार्ट के पार्ट, 2 किडनी, कितना 2 पैर, 2 हाथ, बहुत अच्छा सुंदर शरीर। उसी को हमें भगवान ने दी हुई चीज हम बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। कोई फ्रेंड ने अच्छी चीज दी है तो कितने संभालते हैं, तो भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट हमारा शरीर दिया है। 2 आंखें ठीक दी है, 2 हाथ है, 2 पैर किसी के पास 1 हाथ है, किसी के पास 1 पैर नहीं है, किसी के पास 1 आंख नहीं है, हमें पूरा संपूर्ण स्वरूप दिया है।
तो हमें उसे संभालना है। अच्छा सा प्राणायाम करते हुए, अच्छा सा योग देते हुए 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। सांस भरिए, सांस भरिए, सांस भरिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए। सांस भरना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। म का उच्चार मुंह बंद करते हुए सांस भरिए। गले के ऊपर दोनों हाथों को सांस भरिए। म का उच्चार जैसा करना है ऐसा। हृदय के ऊपर हाथ, दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखिए। ओम का उच्चार करेंगे फिर से, सांस भरिए। दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रखिए, फिर से म का उच्चार, भ्रामरी उच्चार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं धायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वत्र शांति विस्तरो, सर्वत्र शांति व्यापो। हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ देखते हुए हम दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। रब करिए, बहुत अच्छी तरह से रब करना है। पूरी तरह से रब करिए, गरम करिए। दोनों आंखों के ऊपर लगा दीजिए। हल्के हाथों से दोनों आंखों को बंद कर देना है। हल्के हाथों से दबाना है, छोड़िए दबाना, छोड़िए दबाइए, छोड़िए। अंदर ही अंदर आंखें खोल बंद करिए। फिर से दोनों हथेलियों का घर्षण, रब करिए। आंखें बंद ही रखना है। फेस के ऊपर घुमा दीजिए दोनों हाथों को, कानों के ऊपर, सिर के ऊपर, गले के ऊपर, शोल्डर से लेते हुए दोनों हाथों के ऊपर, शरीर के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर दोनों हाथों को घुमा दीजिए। नी जॉइंट के ऊपर घुमा दीजिए पूरी ऊर्जा। अब थोड़ा रब करते हो ना हाथों को तो बहुत अच्छा, वेंस पूरी खुल जाती है। ये हाथों का रब करना है। फिर से हथेलियों का घर्षण, हाथों से रब कर लीजिए। और प्रीति बहन, टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। बहुत सारा उषा बेन, उषा बेन તમારું એરોબિક અને આ જે પ્રાણાયામ ને કરાવ્યું તમે બહુ સરસ રીતે કરાવ્યું, બધા જેમાં તલ્લીન થઈ ગયા હતા, એકદમ જ બહુ સરસ તમે કરાવો છો, આખું બધું જ આવી જાય છે એમાં, તો થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ। બહુ સરસ તમે કરાવ્યું છે આજે, અને બધાને એટલું બધું અંદરથી સારું લાગતું હશે અત્યારે કે મારે આમાં હવે આગળ કઈ પેલું કરાવવાની જરૂર જ નથી, બધું જ તમે કરાવી દીધું છે। તો આજે આપણે બીજું કઈ જ નહીં કરીએ, કારણ કે અત્યારે સરસ રીતે ઉર્જા શરીરમાં આવી ગઈ છે કે આમાં આપણે આગળ કઈ કરવાની જરૂર જ નથી, આપણે બધા ફેશિયલ્સ મસલ્સ બી આવી ગયા છે। તો થેન્ક યુ વેરી મચ। તો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે લઈ લઈએ છીએ।
કોઈને કઈ કરવું હોય, બહુ સરસ કઈ ફીડબેક આપવા હોય તો બહુ સરસ. એરોબિક કર્યું એટલે એનર્જી આવી ગઈ, બહુ સરસ. ઘણા વખત પછી આપણે કર્યું છે એરોબિક. એક મિનિટ તમે આવી જાઓ, પોસ્ટ પોસ્ટ માંથી મને નીકળ. હા કલાબેન, કલાબેન નથી દેખાતા. હા ઓકે. હવે આમાં આપણે જે આ બધી જ રીતે કર્યું છે તો આપણે જે ફેશિયલ્સ નું બી થઈ ગયું છે, તો ખાલી બે મિનિટ આ જે બધા હાથના માથા ઉપર અહીંયા ત્યાં બધે ક્લેપિંગ કરી લો, બધે બધે ક્લેપિંગ કરી લો, માથા ઉપર હાથ ઉપર બધે જ ક્લેપિંગ કરો, એટલે એ બધા જ આપણા જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે એ ચાલુ થઈ જશે. અને ઓકે પછી બધા આમ જ આંગળી રાખો, ફર્સ્ટ ફિંગર ઇન્ડેક્સ ફિંગર ને ફોલ્ડ કરો અને પછી તમારા અત્યારે આપણો ફેસ એકદમ જ આપણે પ્રાણાયામ ને કરીને એકદમ જ આમ બહુ સરસ રીતે થઈ ગયો છે, તો ખાલી એની ઉપર પ્રેશર જ આપવાનું કહું છું. તો એ પ્રેશર આપો ફર્સ્ટ ફિંગર ને ફોલ્ડ કરીને, ઓલવેઝ આપણે ફર્સ્ટ ફિંગર ને ફોલ્ડ કરવાનો. અને બીજી રીતે ફર્સ્ટ ફિંગર ને ફોલ્ડ કરી આપણા જે આ મસલ્સ છે એને પ્રેશર આપી દો. ઓકે પછી આપણી જે ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ફિંગર છે એને આંખની પાસે રાખી અને ઉપર જુઓ. વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન, ઉપર જુઓ, ખાલી આંખના કોર્નર પર રાખીને ઉપર જુઓ. ઓકે પછી આંખ જ બંધ કરીને તમારી સ્ક્વીઝ કરો. તમારે આંખને સેસ વેરી ગુડ ફોર આઈઝ એન્ડ આઈઝ મસલ્સ. ઓકે નાવ ખાલી ટુ ફિંગર્સ મોઢા ઉપર રાખો અને હવા ભરો. વેરી ગુડ. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ. આમાં ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ છે, હું લઈશ પછી. થેન્ક યુ ઉષાબેન. અરે કરાવી દો, હજુ નથી 5 મિનિટ બાકી. ઓકે 5 મિનિટ બાકી છે હજી. આઈ થિંક સો. 8:30 નહીં હુએ, 8:30 નહીં હુએ. ઓકે તો હજી એક એક્સરસાઇઝ લઈ લઈએ. આ બધા ઉપર જુઓ અને મોઢું ખોલીને આપણે જેમ આવી રીતે મોઢું કરો, આપણા ગળાના મસલ્સ છે અહીંયા આ બધા ખેંચાય છે, એના ઉપર તમે ઓબ્ઝર્વ કરો અને ઉપર જ આ ઉપર મોઢું ખોલીને ફૂંક મારો, ઉપર ઉપરની સાઈડ ફૂંક મારો. ગોળામાં હવા ભરો. મોઢું ખોલ બંધ કરો ઉપર જોઈને. અહીંયા ઓબ્ઝર્વ કરો ક્યાં ખેંચાણ આવે છે. રિલેક્સ
રિલેક્સ તમે આંખ બંધ રાખજો માથામાં જો તમારે ઝણઝણાટી થાય છે રિલેક્સ યોર બ્રીધિંગ ઓકે આ બધું કરીને આપણને કેટલું જે બ્રેઇન નું આપણને અહેસાસ થયો છે એ આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ આપણને ઓકે ફિંગર્સ ને એક એક ફિંગર ને ટર્ન કરો ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ નાઉ સેકન્ડ ફિંગર ક્લોકવાઇઝ 5 ટાઈમ્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ 5 ટાઈમ્સ દેખાય છે બધાને દેખાય છે દેખાય છે ને મને દેખાય છે થેન્ક યુ ઓકે આ સેકન્ડ ફિંગર 1 2 3 4 5 એન્ટી ક્લોક 1 2 3 4 5 નાવ થર્ડ ફિંગર થોડી ડિફિકલ્ટ થશે રિંગ ફિંગર પણ કોશિશ કરો થશે ક્લોકવાઇઝ ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઓકે નાવ લાસ્ટ ફિંગર ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઓકે નાવ બંને હાથ આમ રાખો લાસ્ટ ફિંગર તમારી જોઈન્ટ હોવી જોઈએ અને આપણું બ્રેઇન ને માઇન્ડ બંનેની એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે થાય છે 1 એક એક આંગળીને ફોલ્ડ કરતા જાઓ એક એક આંગળીને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એક એક ઓપન કરો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અડધી બંધ કરો 1 2 3 4 5 લેફ્ટી 2 3 4 5 બંને બંધ કરો નાવ હું કહું એક ફિંગર ખોલો બધાનું બ્રેઇન ચેક કરવું છે ઓકે રિંગ ફિંગર ઇન્ડેક્સ ફિંગર થમ little finger middle finger index finger thumb first finger index finger ring finger badal angla udi mein khuli gaya tha main sab mein ring pehnti okay now ring finger Index finger, thumb. Okay, હવે હું ફાસ્ટ બોલું છું. First finger, index finger, thumb. First finger, index finger, thumb. Index finger. Very good. बहुत अच्छा. Brain पे थोड़ा काबू नहीं है. Very nice. Okay. હવે બધા એક આમ જ હાથ રાખો ફિંગર બધી ખુલ્લી રાખો અને થંબ લો થંબ લઈ અને તમે ઝિગઝેગમાં જાઓ ઝિગઝેગ ફાસ્ટ કરો માઇન્ડ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન બંને વધશે અને તમારી આઈઝ ને પણ એને જોવો ઓકે નાવ રાઈટ ફિંગર ઓપન અને હવે રાઈટ ફિંગર ઓપન કરી લેફ્ટ હેન્ડ થી કરો ઓકે હવે 8 બનાવો અને 8 ને જુઓ એક સીધો 8 હવે આડો 8 8 ટાઈમ 8 બના કે ઉસકો ચેક કરના તો વો એક સાઇન હે અચ્છી સાઇન હે વૈસે બોલતે હે કે એન્જલ્સ કુછ આતે હે ઓર અપના કાર્ય અચ્છા કર દેતે વો એક સાઇન હે પતા નહીં મુજે એક જગહ પે સુના થા બહોત અચ્છા આપને 8 બનવાયા ઓર એક વો ભી સાઇન હે કે 8 તો એક અચ્છી ફિગર વાલી લેડી હા બોલો
8 मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ रही थी, आ रही है। हाँ तो 8 का 2 मतलब है, जो आपने 8 बनवाया ना, ऐसे हवा में मंदिर के पास जाके 8 times 8 बना लो, तो बोलते हैं एंजल आके आपको कुछ अच्छा करना चाहती है तो अच्छा करते हैं, वैसा सुना है मैंने एक कोई टैरो कार्ड वाले से। और दूसरी बात, 8 मीन्स अच्छे फिगर वाली लेडी। बहुत सरस प्रीति बहन, बहुत सरस। ओके, પાછી બીજી એક્સરસાઇઝ લઈશ, અત્યારે 8:30 થઈ ગયા છે, મને કલાબ એને કીધું છે 8:20 સુધી તમારે કમ્પ્લેન કરવાનું, જો એ કે ન થાય તો તમારે હસ્યાસન પણ નહીં લેવાનું, પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ પૂરું કરવાનું, એટલે આપણે રૂલ ને ફોલો કરીએ છીએ તો પણ ઓલો થઈ ગયું છે, તો થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ બધાને, જય હો, મંગલ હસ્યાસન કરી દો, હા ઉષા બેને બહુ સરસ કહ્યું, આવી ગયા છે 2 મિનિટ કલાબેન મેસેજ કિધર ચલી ગઈ હતી ચા પીને કો 1 મિનિટ એમને ઓલા છે ને બોલી નહી શકે અનમ્યુટ કરો હા હા બોલો ઓપન યોર માઉથ ઓપન યોર માઉથ હા 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 મંદિર જઈ આવી પછી એ બધું કર્યું આવીને મારું તો રોજ કઈ હોય બોલો ચાલ બસ હવે સેશન બોલો જય હો મંગલમય હો સબકા મંગલ હો સાંજે 5 વાગ્યાનો ઇન્ફોર્મેશન આપી દો હા હા આજે સાંજેથી ક્લાસ ચાલુ થાય છે ડાન્સની જેને ભી ભાગ લેવું હોય તો જરૂરથી જોઈન થઈ જજો 5 વાગે મજા આવશે ડાન્સ આપણે સવારે ભી થઈ ગયું ને હમણે ભી થઈ જશે સાંજે ભી એટલે બધા પતલા થઈ જશું આજે એક જ દિવસમાં અરે એક દિવસમાં 5 કિલો વજન કમ કાંટો ખરાબ છે વજન વધારે છે નહીં કાંટો ખરાબ છે હું બરાબર નથી બતાવતો ચલો બોલો બાકી કયો ઓકે બાકી ચાલો ચાલો છુટ્ટી લઈ બહુ સરસ એરોબિક કર્યું બહુ સરસ કર્યું યસ બધાએ બહુ સરસ કર્યું ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ આ સેશન એન્ડ કરું છું ઓકે બાય બાય જય શ્રી કૃષ્ણ બધા ફીડબેક આપજો મેસેજ કરજો એપ્રિશિએટ કરજો ઓકે જો તમને સારું લાગ્યું હોત તો તરત મેસેજ કરજો ફીડબેક આપજો ઓકે તમે બી ઓકે ચાલો બહુ સરસ લાગે છે સ્માઈલિંગ ફેસ ને એનો અવાજ ના બોલે ત્યાં સુધી ચેન ના પડે મને બી કલા કલા જ છે અમારી બસ આજે ઉષા બહુ સરસ કરે થેન્ક યુ સરસ હતા સોંગ પણ સરસ હતા બહુ સરસ હતા જે શ્રીનાથજી ના હાલ બહુ સરસ હતું
સોરી કસ્તુરીબેન, ના ના બસ બસ પ્રીતિ વારે પ્રીતિબેન તમે બહુ મસ્ત કરે. ઉષાબેન તમે જે ઓલું હોલ્ડ કરીને કીધું ને, હોલ્ડ કરવાનું 1 2 3 કાઉન્ટ કરતા હતા, તમારો ઓડિયો મોકલાવી શકો તો મોકલાવો, ક્યારેક કરીએ તો તમારા ઓડિયો પર કરી શકીએ. બહુ સરસ હતું એ છેલ્લે તમે કરે હોલ્ડ કરીને, કુંભક અને બાહ્ય કુંભક, હા કુંભક અને બાહ્ય કુંભક માં ઉષાબેન બતાડો તો કરીને. અચ્છા, લિટલ ફિંગર રિંગ ફિંગર આવી રીતના, અને આવી આમ બેસીને જેટલું પણ બની શકે એટલું વધારે ભરી રોકવાનું, વધારે કોશિશ કરવાની, આપણા લેવલ નું કાઉન્ટ કરવાનું છે, કાઉન્ટિંગ વધારતું જવાનું છે, તો બહુ જ બેનિફિટ મળશે. ઓકે, એ ક્યારે બી કરી શકાય? ઓકે, ક્યારે બી ને એટલે આમ ખાલી પેટ હોય તો વધારે સારું, અર્લી મોર્નિંગ ઉઠીને કરો તો સારું, સૂતા વખતે કરશો તો. કોઈને પણ જેને કોઈને ઊંઘની ગોળી લેવી પડતી હોય, કોઈને નીંદર ના આવતી હોય જલ્દીથી, તો આ પ્રાણ સાધના કરવાથી તરત સારું થઈ જશે, બહુ સારું. અને જેને માઇગ્રેન હશે એને બી એકદમ બહુ રિલેક્સ થઈ જશે, બહુ સારું. જેટલું આપણે આપણે ઓક્સિજન ભરીને રોકીએ છીએ ને, તો એ જગ્યા બનાવે છે અંદર જવાની બધા જ કોના પર. પછી આપણે બહાર છોડી દઈએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળી જાય, ઇવન આપણા ટોક્સિન બી નીકળી જાય. પછી બહાર આપણે રોકી રાખીએ છીએ તો થોડી વાર માટે એ પોતે બધા જે ગયો છે ઓક્સિજન, એ પોતે કાર્ય કરવા લાગશે કે મારે હવે ક્યાંથી ગોતવાનું છે ઓક્સિજન, તો એ વધારે ફાસ્ટ રીતે આપણું બોડી હીલ થશે. ઓકે, ચલો. Thank you. બધા હેલ્ધી રહેજો, હેપી રહેજો, મસ્ત રહેજો.